बिसोपुर गांव में एक प्रधान प्रत्याशी का जो है इंटरव्यू लिया हूँ, उसके बाद हमें दूसरे प्रधान प्रत्याशी मिले हैं और मैं इनके भी माध्यम से कुछ बातों को जानना चाहूँगा और अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। तो सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कमलेश राम है। कमलेश जी, आप राजनीति में पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आप कुछ राजनीति में रहे? नहीं, पहली बार। चुनाव लड़ने का उद्देश्य कहाँ से आया? चुनाव लड़ने का उद्देश्य मुझे थोड़ा शिक्षा के उद्देश्य, थोड़ा स्कूल शिक्षा वगैरह का। चुनाव तो यहाँ कई लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपका 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 जो है विजन क्या है? क्या मेरा विजन है? गांव में थोड़ा हरियाली लाना। और प्रधान का पद बहुत बड़ा एक जिम्मेदार का पद है, तो क्या क्या आप इसको निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा पाऊंगा। आपका क्वालिफिकेशन क्या? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन अभी तक कुछ किया है आपने काम धाम या एजुकेशन लाइन में या किसी लाइन में? हाँ, काम किया हूँ, प्राइवेट सेक्टर में काम किया हूँ। क्या काम किया? टेक्सटाइल लाइन में काम किया। किस पद पे रहे हैं आप? ऑफिसर पोस्ट। तो अभी छोड़ दिए हैं क्या? हाँ, छोड़ दिए हैं। मतलब जनसेवा का उद्देश्य बनाया? हाँ, जनसेवा का उद्देश्य, मतलब समाज और जनता का काम करना चाहते हैं। जी जी। क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को, ईसोपुर के लोगों को? मैं इन ईसोपुर के मतदाताओं से आग्रह यही करना चाहता हूँ कि मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं स्कूली शिक्षा और गांव की साफ सफाई और जरूरत। गांव बड़ा अच्छा दिख रहा है। गांव अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसमें भी अभी साफ सफाई, अभी मच्छर सुधार है, सुधार की आवश्यकता है। हाँ, वो सब का साफ सफाई। और राजनीति का मुख्य उद्देश्य होता है, हाँ, राजनीति का मुख्य उद्देश्य होता है कि जरूरतमंदों को उसके अनुसार काम, मतलब काम करवाना। आपको लगता है कि जो जरूरतमंद हैं उनको अभी सपोर्ट नहीं मिला? सपोर्ट मिला, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी बहुत जरूरतमंद हैं। नरेगा का काम बढ़िया हुआ? नरेगा का काम, हाँ, सही चल। प्राथमिक विद्यालय का काम बढ़िया हुआ? हाँ, बढ़िया है, लेकिन उसमें और सुधार की जरूरत, उसमें सुधार की आवश्यकता। हाँ, तो एक प्रधान प्रत्याशी के तौर पर क्या कहना चाहेंगे ईसोपुर गाँव के लोगों को? मैं प्रधान प्रत्याशी के तौर पर ईसोपुर गांव से ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक बार मुझे मौका दें तो मैं कुछ परिवर्तन इस गांव में ला सकता हूँ। नहीं, आपको लगता है कोई और परिवर्तन नहीं कर पाएगा, आप ही जो है कर पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अगर मकसद, मैं उन लोगों से का क्या प्लान है? जैसे आज के दौर में यूपी में बड़ा पैसे का भी भरमार, दारू मुर्गा का भी चल रहा है, इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इस पर तो है, लेकिन अभी इसका बारे में मैं, बजट है आपके पास चुनाव लड़ने का कि नहीं? नहीं, मेरे पास उतना बजट नहीं है, जो है 15-20 हज़ार उसके अनुसार ही लड़ रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। कमलेश जी का कहना है कि एक बार मुझे अवसर दे जनता, ईसोपुर का ग्राम के लोग मतदाता मुझे अवसर दें, परिवर्तन करूँगा मैं। इनका कहना, मैं परिवर्तन करूँगा, अभी जो नीड थी, जो आवश्यकता थी, वो पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं परिवर्तन करूँगा और मुझे अवसर मिला तो मैं यह दिखा दूँगा कि प्रधान का क्या काम होता है। धन्यवाद।